जय हिंद, जय भारत। मैं रविंद्र सिंह शेखावत, रविंद्र फौजी, विराटनगर से। जैसा कि आपको बताया है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था और काफ़ी मैसेज भी दे चुका हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और जिसकी रिपोर्ट कल आनी थी वो रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने डेंगू पॉजिटिव बताया है, यानी वायरल फीवर जो हुआ था डेंगू की वजह से था और डेंगू पता ही आपको मच्छर काटने की वजह से होता है। तो और इसी डेंगू की वजह से मैं यहाँ जयपुर में रुक रहा हूँ और अब दोबारा 27 तारीख को फिर दोबारा पूरा चेकअप होगा और उस रिपोर्ट में ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा। इस डेंगू की वजह से फ्लैट रेट डाउन हो चुकी है, शरीर में काफ़ी कमजोरी आ चुकी है, जो आपको मेरी आवाज़ से भी और मेरी हालत से भी पता लग रहा होगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक क्षमा भी चाहता हूँ कि मैं जो बीच में दशहरा का और जो त्यौहार बाहर चले गए आप लोगों को मैं बधाई नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि 3 दिन इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि मैं उठ भी नहीं पाया था चारपाई से। वो एक वीडियो भी मैंने बड़ी मुश्किल से उस दिन बनाया था कि आप लोगों को मैसेज दे दूं कि मैं बीमार था। अगर फिर भी किसी को नहीं पता चला हो तो बीमारी की वजह से मैं आपको दशहरे की बधाई नहीं दे पाया था, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और अब 27 को दूसरा चेकअप होगा, 28 को रिपोर्ट आएगी। 28 को रिपोर्ट आते ही चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव जैसे भी आए, 28 को मैं आप लोगों के बीच में विराटनगर में मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। और जो रही चुनाव की बात, चाहे जनता या कोई भी ऐसा भी कोई भी बयान दे, मैंने बता दिया कि रविंद्र फौजी एक तो फौजी और दूसरा राजपूत, यानी जो कैदिया जवान से मेरे लिए वो मेरी लौकी लीक समझो, जो मैं कह देता हूँ वो मैं जरूर करता हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए चुनाव 100% लड़ूंगा। 27 को जैसे भी रिपोर्ट आए नेगेटिव या पॉजिटिव आपके बीच में पहुँचूंगा और आप सबको आगे की उससे अवगत करा दूँगा। तब तक के लिए मैं यहाँ जयपुर हूँ। इस बीमारी ने, इस भगवान ने यहाँ रोक कर बैठा दिया, ये मेरी मजबूरी है। और